स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वड़कम काशी, मतलब नमस्ते काशी। यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम वड़कम काशी रखा गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर मोदी जी आए हुए थे जिसका उन्होंने उद्घाटन किया वड़कम काशी के नाम से। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर कुछ स्टॉल वगैरह लगी है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं और साथ में कुछ कपड़े वगैरह भी बिक रहे हैं। तो वैसे तो कुछ लेने वाले नहीं हैं, पर देखेंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, साथ में आपको भी दिखाएंगे जो है, और थोड़ा बहुत डांस की वीडियो भी बनाएंगे। तो चैनल से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अभी हम लोग एमपी थिएटर के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर ये वड़कम काशी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और आपको एमपी थिएटर का नज़ारा दिखाते हैं कैसा एमपी थिएटर। स्पोर्ट के लिए ग्राउंड भी है, यहाँ पर बच्चे आपको स्पोर्ट्स की तैयारी करते हुए नज़र आ जाएंगे। दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा और स्पोर्ट्स की तैयारी करते हुए बच्चे भी। थोड़े देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं और कुछ लोग भाला फेंक रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। बाकी के यहाँ कुछ लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है। तो अभी हम लोग वड़कम काशी के गेट पर पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं हमारे बिल्कुल सामने वड़कम काशी का गेट है। कितना शानदार गेट लग रहा है, काफ़ी अच्छे से इसकी सजावट वगैरह की गई है, आप लोग देख सकते हैं जो है। देख सकते हैं डोसा जो है, ये है मसाला डोसा। मसाला डोसा इसके ऊपर डालेंगे आलू का मसाला, हो जाएगा ये मसाला डोसा। उसके बाद पहले हम ऑयल डालेंगे, ठीक है सर? ठीक है भैया। फिर डालेंगे इसमें काजू है और आलू है, टमाटर है, प्याज है, सब मिक्स है। मतलब एक कुछ अलग सा अलग है, तमिल तमिल डोसा है, तमिल जी, प्योर साउथ इंडियन। और हमारा तमिल का चटनी है, कोकोनट चटनी, और सांभर भी तमिल, और हमारा सांभर भी तमिल स्टाइल में देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं डोसा बिल्कुल रेडी है, अब 2 मिनट में डोसा हमारा रेडी हो जाता है। ये है आपका डोसा, डोसा आपका तैयार है, आप लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पकौड़ियाँ हैं, सब यहाँ पर तमिल स्टाइल में हैं, तमिल रेसिपी हैं सब यहाँ पर। इधर जलेबी है और गोलगप्पे हैं, इधर गोलगप्पे आपको कई सारे फ्लेवर में यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं ज्वेलरीज, मालाएं वगैरह यहाँ पर हैं संतों के लिए। और यहाँ पर जो है कॉटन वगैरह हैं, कपड़े टेक्सटाइल, तो सारी हाँ टेक्सटाइल सब यहाँ पर। और इधर कुछ मंदिर वगैरह हैं, टेंपल्स, जो कि साउथ। यहाँ पर कुछ ऐसी बुकें हैं जिनको छूना मना है, क्योंकि ये पुस्तकें रेयरली देखने को मिलते हैं, बहुत कम ही पुस्तकें हैं फिलहाल। तो यहाँ पर कुछ पेंटिंगें भी हैं, काफ़ी शानदार पेंटिंगें जो कि लग रही हैं। ये बनारस घाट का है, ये लैंडस्केप है, और ये आप लोग देख सकते हैं ये मॉडर्न आर्ट है, ये सैंड से बना स्कल्पचर है। ये फोटोग्राफ आप देखकर ही समझ गए होंगे किसका है, ये कोई और नहीं वैजयंती माला का है, और ये हेमा मालिनी जी का। अभी हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर तमिलनाडु के जितने भी प्रसिद्ध मंदिरें हैं, टेंपल्स हैं, वो लगे हुए हैं यहाँ पर। आपको दिखाते हैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स। आप काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये तमिल के कुछ मंदिर हैं, टेंपल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा जो है तमिल के टेंपल्स लगे हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु में कितने सारे हिंदू टेंपल्स हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी और साथ में योगी जी भी आए हुए थे, और यहीं पर उन्होंने काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो है उन लोगों का पूजा वगैरह हुआ था।
यहीं से काशी तमिल संगम की शुरुआत हुई थी, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो फिलहाल ये है रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है। उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये रामेश्वरम मंदिर के अंदर का है फोटो। अब हम लोग अंदर जाएंगे जहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं तमिलनाडु के, और डांस वगैरह भी हो रहा है। फिलहाल तो ढोलक बजने की आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ तगड़ा ही होने वाला है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। तो ये रहा अंदर जाने का मेन गेट, आप लोग देख सकते हैं मेन गेट कैसा लग रहा है। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी सजावट की गई है, झालर वगैरह टांगे गए हैं बाकायदा ढंग से। भाई लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग वेलकम काशी का ये सेलिब्रेशन देखने आए हैं प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है।